नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके हम करेंगे एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट ना हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट ब्रेक्स एंड फॉर्म्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस? तो ये होते हैं म्यूचुअल बॉन्ड्स। इन विच रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस? तो इस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इससे ही बनता है मार्बल, जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। आप सही होगा इसका ऑप्शन सी, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CH4+2O2 गिव्स CO2+2H2O। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये हीट रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H12O6+6O2+6H2O गिव्स अस 6CO2+12H2O प्लस एनर्जी। व्हाट इज़ द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन? तो इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है रेस्पिरेशन। ये हमें बायोलॉजी के एक चैप्टर में भी पढ़ना है रेस्पिरेशन का ये फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल? तो इसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो इसका सही आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन? तो मास का केमिकल रिएक्शन में कभी भी लॉस नहीं होता, और ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन टेल द दैट प्रोडक्ट इज़ प्रेसिपिटेट? तो जो डाउन एरो होता है वो प्रेसिपिटेट को शो करता है, यानी जो भी कुछ सॉलिड है सॉल्यूशन के नीचे जो जमा हो जाता है उसको हम डाउन एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इन अ केमिकल रिएक्शन आर इक्वल, व्हाट इज़ द इक्वेशन कॉल्ड? तो उसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में जब एलिमेंट्स के एटम्स दोनों साइड सेम होते हैं तो उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, व्हाट इज़ दिस रिएक्शन? इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब दो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन विच एटम ऑफ अ कंपाउंड इज बैलेंस्ड फर्स्ट फॉर कन्वीनियंस? जो मैक्सिमम एटम होता है कंपाउंड का उसे सबसे पहले बैलेंस किया जाता है कन्वीनियंस के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू शो टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट एट्सेट्रा ऑन एरो इन अ केमिकल इक्वेशन? तो हमें जो ये सब चीज़ें शो करनी होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, ये हमें जो एरो देते हैं हम उसके ऐसे एरो देते हैं जो इसके अबव में या इसके बिलो में शो करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पाउडर ऑब्टेंड आफ्टर द कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन? तो जो इसका पाउडर का कलर होता है वो वाइट हो जाता है आफ्टर कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रैनुलेटेड जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोराइड? तो इसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा के देखें तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच गैस इज नेसेसरी फॉर कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कम्बशन हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन गैस नेसेसरी है कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन इज रिएक्टेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय पुटिंग एट साइन बिटवीन रिएक्टेंट्स इन विच डायरेक्शन इट इज़ रिटन? तो ये लेफ्ट से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द एरो हेड ड्रॉन इन अ रिएक्शन? प्रोडक्ट के लिए जो एरो हेड ड्रॉन होता है इन अ रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट।